नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आदर्श नगर स्थित वहियार में एक युवक की निर्मम हत्या कर शव की पहचान छिपाने की नीयत से उसे जलाने की कोशिश करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर जलाने की सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन आनंद फानंद में घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि रविवार के दिन गोपाल को उसका दोस्त खाजा घर से बुलाकर गाँव के ही कुछ दूरी पर एक खेत में लेकर गया, जहाँ दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसी दौरान खाजा ने उसकी हत्या कर दी। वह इस घटना को अंजाम देने के बाद खाजा ने अपने कई साथियों की मदद से शव को जला दिया। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों द्वारा भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। इधर मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर दिया, जिसकी जानकारी विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पुलिस का कहना है कि गोपाल कुमार खाजा अपने गुर्गों के साथ मिलकर इलाके में वर्चस्व दिखाना चाहता था, जिसको लेकर गोपाल से खाजा ने रंगदारी के रूप में मोबाइल मांगा था। साथ ही पुलिस ने कहा कि रंगदारी नहीं देने पर उनकी हत्या कर दी गई। DSP ने बताया कि इस हत्याकांड मामले में अब तक 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए कई सामान को भी बरामद कर लिया है। श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर चलाए जा रहे श्रम उन्मूलन को लेकर मंगलवार को सबौर प्रखंड क्षेत्र से एक बच्चे को श्रम विमुक्त कराया गया। बता दें कि श्रम संसाधन विभाग भागलपुर के द्वारा हर वर्ष बच्चे को श्रम विमुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाता है, जिसमें कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के व्यावसायिक श्रम से बचाने के लिए छापेमारी भी की जाती है। वहीं इसको लेकर विभाग के लेबर ऑफिसर अखिलेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष जिले में कई बच्चे को मुक्त कराया गया, जबकि मंगलवार को भी सबौर प्रखंड से एक नाबालिग बच्चे को करते हुए देखा गया, जिसे मुक्त करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी निर्देश के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम कराना बाल श्रम की श्रेणी में आता है और यह कानूनन अपराध है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उम्र पढ़ने लिखने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के साथ खेलने कूदने की है और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रम उन्मूलन हेतु श्रम संसाधन विभाग भागलपुर के द्वारा यह चलाया गया अभियान है, जिसके तहत गहन छापामारी की जाती है और बच्चे को हम लोग विमुक्त करवाने का काम करते हैं। देखिए, इस वर्ष में तो काफ़ी बच्चे हुए हैं और इस महीने भी काफ़ी बच्चे हुए हैं और यहाँ सबौर ब्लॉक में अभी ये आज के दिन में ये पहला बच्चा है। यही कहेंगे कि देखिए, ये बच्चों को अभी स्कूल में जाना चाहिए। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे काम बिल्कुल भी ना लें, उनको स्कूल में भेजें। ये समाज की भी जिम्मेवारी बनती है सरकार के साथ साथ, ताकि उनको स्कूल भेजें। भागलपुर के नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय का 57वां स्थापना दिवस मंगलवार को काफी उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष संजय कुमार झा, सज्जानंद मिश्र और सुनील सुबुधिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम को लेकर संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से एक परिवार चलता है, ठीक उसी तरह अनाथालय का स्थापना दिवस भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहीं संस्था से जुड़े दिनेश यादव, शिवशंकर सिन्हा, उमेश प्रसाद और रामरतन चूड़ीवाला समेत कई लोगों ने आने वाले दिनों में अनाथालय के विकास के लिए और भी कार्य करने की बात कही। इधर कार्यक्रम के दौरान अनाथालय के बच्चों के साथ अतिथियों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम कर दर्शकों का मन मोह लिया। मौके पर रामानंदी देवी अनाथालय के दीपराज भारती, कुमारी अनुश्री, रूप सिंह, विश्वनाथ यादव समेत अनाथालय के कर्मी और बच्चे मौजूद रहे। इस उपलक्ष्य में हम लोग हर साल पर्व मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं, उसी का कार्यक्रम। अच्छा अच्छा। और स्थापना 20 दिसंबर 1925 को हुई थी, उस टाइम से लगातार इसका कार्यक्रम होते आ रहा है। आपका परिचय? सार्जानंद मिश्रा मेरा नाम हुआ। यहाँ रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय सचिव हैं। अच्छा। भागलपुर के चंपानगर स्थित नरगा कोठी पूरनमल सावित्री देवी वाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में मंगलवार को 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए मुकुट निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार एवं शशिकांत गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस दौरान प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने कहा कि शिक्षा मानव क्षमता को विकसित करती है, जबकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ही अब भारत का भविष्य निर्भर करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकुट निर्माण प्रतियोगिता से बच्चों के अंदर क्रियात्मक
अभियान का विकास होगा जो वर्तमान समय की मांग है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ सभी प्रकार का ज्ञान अर्जन करवाना शिक्षकों का कर्तव्य है और इसी के तहत मुकुट निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान बेहतर मुकुट बनाने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। मौके पर शशिभूषण मिश्र, अभिजीत आचार्य, अंजू रानी, सुप्रिया कुमारी समेत काफी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम अश्फाक अहमद है, घर मेरा डरिया बिलार है, पोस्ट करपुरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर, और वार्ड में वार्ड नंबर मेरा 15 है। हमको बहुत पहले से चीनी था, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास चीनी है, तो एकाएक हम चक्कर खा के गिर गए। उस वक्त में मेरा 450 से ऊपर मेरा चीनी था, तो नापा गया चीनी तो 530 या 533 मेरा चीनी था। तो हमको ICU में लोग ले जा करके भर्ती करा दिया, वहाँ निकल गया कि इनको चीनी है। तो उस वक्त चीनी मेरा था 530, तो इलाज हुआ तो इंसुलिन पड़ता था सुबह शाम, तो वहाँ 5 दिन ICU में भर्ती रहे। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से नाम काट दिया, तो दवा लिख दिया, अंग्रेजी दवा, दवा का नाम है ग्लाइकोमेट GP24। एक डेली सुबह में खाते थे, लेकिन खाने के बाद हमको नुकसान बहुत हुआ कि आँख की रोशनी चली गई, तो अब ठीक हो जाइएगा। तो दवा खाते हुए ही, अंग्रेजी दवा जब खाना शुरू किए तो आँख की रोशनी चली गई। अब सोचिए, हम एक तो डायबिटीज़ हो गया, दूसरे नंबर की मेरी आँख की रोशनी चली गई, अब हम करें तो क्या करें। देखो आयुर्वेदिक दवा देते हैं डायबिटीज़ का, तो इनसे मिले हम, तो 6 महीना हम दवा इनका खाए हम, तो मेरा चीनी अभी जो है मात्र 127 है। खाना खाने के बाद चावल रोटी खाना खाने के बाद टेस्ट किया गया तो 127 है ये। हाँ, तो अब जो दवा है मेरा 6 महीना खाने के बाद मेरा दवा अब बंद हो गया है। कितना दिन से आपका दवा बंद है यहाँ से? 1 महीना से दवा मेरा बंद है, आयुर्वेदिक दवा मेरा 1 महीना से बंद है। उसके बाद भी चेक किया गया है तो मात्र 127 मेरा आया। पहले से अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत फिट है हम, चलने फिरने में भी ठीक है। पहले 10 कदम चलते थे तो दम फूल जाता था। आँख की रोशनी अभी कैसा है? आँख की रोशनी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत पहले से अच्छा है। और ये दवा खाने से हमको बहुत फ़ायदा है, एक तो चीनी मेरा ख़त्म हो गया और आँख की रोशनी मेरी ठीक है अभी। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा हुआ और मेरा एज 38 साल हुआ। मेरा घर बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड में हुआ। मैं शुगर टेस्ट जहाँ करा रहा था वहाँ से मालूम चला इस डॉक्टर साहब के बारे में, तो मोतिहारी जिला के रामगढ़वा प्रखंड में एक शिक्षक यहाँ इलाज चला रहे थे और वो ठीक हो गए थे, उनके माध्यम से मालूम चला तो यहाँ आए। उस समय मेरा शुगर लेवल लगभग 260 था और उस समय बहुत कमज़ोर भी था, तो यहाँ आके इलाज करना शुरू किया। इलाज लगभग 3 महीना दवा खाए, 3 महीना दवा खाने के बाद अभी हम दवा छोड़े हुए मेरा 2-2.5 महीना हो गया। कभी कभी मिठाई भी खा लेते हैं, खीर भी खा लेते हैं। अभी शुगर लेवल मेरा 105 है सब कुछ खाने के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निकाय चुनाव को लेकर भागलपुर में प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान काफी तेज हो गया है। एक ओर जहां प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते दिख रहे हैं, वहीं शहर में चुनाव प्रचार वाहन से भी लगातार माइकिंग के साथ फिल्मी धुनों पर प्रचार किया जा रहा है। इधर महापौर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भी सुबह से ही अपने समर्थकों के साथ हैंडबिल लेकर प्रचार प्रसार किया। मंगलवार को डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भिकनपुर के वार्ड नंबर 33 स्थित मीरफेकू लेन, कुदरतुल्लाह लेन, सहमत हुसैन लेन, ईदगाह लेन, मिर्दाहा लेन, रेशमी नगर, रमजान अली लेन और भरपुरा के लोगों से मिलकर नगर निगम चुनाव के लिए अपने पक्ष में समर्थन मांगा। एक ओर जहां महापौर और उप महापौर पद के प्रत्याशी समेत सभी 51 वार्ड में अलग अलग पार्षद प्रत्याशी अपने समर्थन में जनता से वोट की अपील करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों द्वारा भी भरोसा दिया जा रहा है। इधर बात अगर मेयर कैंडिडेट डॉक्टर वसुंधरा लाल की करें तो फिलहाल शहर के कई क्षेत्रों में इन्हीं लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। जनसंपर्क अभियान में तबस्सुम बानो, अंजना प्रकाश, कमला साहू, प्रीति पांडे, सुनंदा रक्षित, वंदना कुमारी समेत काफी संख्या में पुरुष और महिला के साथ युवाओं द्वारा भी भागीदारी की जा रही है। भागलपुर नगर निगम चुनाव में डिप्टी मेयर पद पर अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी संतोष कुमार ने नाथनगर, नसरत खानी, दवाई पट्टी, पर्वती और तिलका मांझी समेत कई इलाकों में बैठक की। इस दौरान शहर के चर्चित समाजसेवी विजय यादव ने भी उपमहापौर पद के लिए संतोष कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए एक नए चेहरे को मौका देने की जरूरत है, जबकि संतोष कुमार एक अच्छे प्रत्याशी हैं। वहीं जिले के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग संतोष जी के लिए समर्थन के लिए जो है वोट मांगने आए हुए हैं, और आप लोग को भी कहीं ना कहीं पता होगा कि डिप्टी मेयर में 10 कैंडिडेट हैं और 10 में से ये लगता है सबसे बेहतर और सबसे ईमानदार और सबसे कर्मठ और समाज में काम करने वाला व्यक्ति है तो वो संतोष जी है। इनके समर्थन में आप लोग भी आइए और इनको 8 नंबर पे क्योंकि पानी का जहाज छाप है उनके वोट देकर आप लोग इसको बहुत ही विजयी बनावे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।